गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं भी सो के उठा हूँ और मेरी बेटी संस्कृति वहाँ गई है अपनी सहेली के पास। और देखो खेतों में लोग काम भी कर रहे हैं, वहाँ गांव का माहौल ऐसा ही होता है, उधर खेतों में काम कर रहे हैं। रस करने के बाद पानी पीते हैं, देखो इस चपा कर डायरेक्ट निकाल के, कोई फिल्टर नहीं, आरओ से भी अच्छा है। मैं खुद निकाल के पी लेता हूँ, दिस द बेस्ट। अरे यार मस्त है, बहुत मतलब स्वाद बहुत इतना अच्छा है ना कि पीते रहो पानी बस। हमारे नल के पास में बिल्कुल को फ्लावर का पेड़, अलग अलग बहुत सारे फ्लावर हैं इसमें, यहीं पे नहाते भी हैं। ये लगता है ठंडा लेकिन वैसा ठंडा नहीं जैसा हम, मतलब अलग ही है। अब नहाओ तो भी मजा आता नहाने इस पानी से। खाएंगे नीम का पत्ता ब्रश करने के बाद, प्योर नीम का पत्ता इसका। हाँ मिस्टी ने थोड़ा खाओ अभी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फेंक दिया, मिस्टी नहीं खा पाई, ज्यादा नहीं खा पाई। अब मैं देखता हूँ, आदित्य तुम खाओ। देखो पापा, मैं घोट जाऊंगी। हाँ खा गया आदित्य। अरे इनको आदित्य को तो लग ही नहीं रहा है तीखा। अब स्कूल जाना आज तो टीचर बोलेगी क्या खा गया, तो क्या बोलोगे? अभी अब मैं खाता हूँ, मेरी बारी, अपन खाएंगे। अभी मैं खाऊंगा ये वाला पत्ता। इतने सारे पत्ते खाएंगे अपन। पानी तो खाओ जल्दी, पानी लो, ले लो पानी, पानी जल्दी फेंको फेंको फेंको, बहुत कड़वा है। अरे नीम का पत्ता खा रहा हूँ, देखो सुषमा वहां से डायरेक्शन दे रही हैं, खाओ नीम का पत्ता, हिम्मत है तो आओ। डायरेक्शन देना इजी है, खाना इजी नहीं। दो बेटा पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे खुद पी रही हो तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखवा रहा। अब जितने दिन रहेंगे नीम का पत्ता खाएंगे, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये प्योर नीम का पत्ता होता है, गांव वाला नीम का पत्ता अलग ही होता है। अभी हम जा रहे हैं, सामने एक तालाब दिख रहा है उसको देखने के लिए। एक गांव से केवटी गांव में ही है, ये गांव के छोटे छोटे मकान है। एक गाय की बच्ची है, गाय की। अरे मकान है, ये पोखरा है, पोखरा जो पोखरा देखते हैं। हेलो बेटा, पोखरा है, तालाब है कि पोखरा, क्या बोलते हैं? पोखरा है। क्या करते हैं पोखरा में? मछली है। मछली है इसके अंदर? अच्छा अच्छा, आ जाओ बेटा देखते हैं। ये है केवटी गांव का पोखरा, इसमें बोलते हैं मछली होती है। बेटा साइड से आना। और कैसे हो आप लोग, कैसे हो, क्या कर रहे हो? मछली उछली हुआ कि नहीं? हाँ हो छोटल बाड़ी, चला बैठ के देख जा। ये गांव के हैं और यहाँ मछली देख रहे हैं बैठ के। कोई मछली दिखी? नहीं देखा हो। को नहावा नहाला खा पनिया का ही नहाला के नहाला कोई कि नहीं इसमें नहाबो करला धोइबो करला नहीबो करला धोइबो करला बोले थे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, टी शर्ट पे क्या लिखा? बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों नहीं जाने का भाई, जाना चाहिए। संस्कृति को बोलती लेट हो रहा है घर जाना, इसलिए हम यहाँ से भी घर जा रहे हैं। बाकी ये गांव बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं गांव के अंदर, तो अभी हम घर जा रहे हैं। क्या हाँ ये बोलती घर में नहाएंगे, यहाँ बहुत गर्म हो रहा है ना, बहुत गर्मी हो रही है।
इधर भी देखो अंदर है गांव से। आ जाओ इस साइड में, आ जाओ। छोटा बच्चा खेलते है। हेलो बेटा, हल खेल रहे हो? बज गया 8:09 हो गया स्कूल को टाइम लेट, और बच्चे अभी तक जा रहे हैं स्कूल। देखो फिलहाल हम जा रहे हैं संस्कृति के साथ घर अकेले। साइड हट जाओ, साइकिल आ रही है। कुछ गर्मी से उस पेटिंग निकल जाती है और बॉडी आ जाती है। सी बबुल का पेड़, इसको बबुल का पेड़ बोलते हैं हम लोग, इसका दातुन भी करते हैं। ये मुझे याद है, इससे मैजिक दिखा रहा था मैं गांव में, यहाँ कांटे से। नहीं बेटा आप जानते हो मैजिक इसका? पहले हाथ में चुबा दो। हाँ, ये बहुत सारे बबुल के पेड़ इधर भी हैं। सागवन का पेड़ भी देखो दिख रहा है वहाँ पे। बबुल का पेड़ से दातुन बहुत अच्छा होता है, आपका टीथ ना स्ट्रांग होगा बबुल के पेड़ से। बबुल के डंडे से ना उसका जो होता है डाल, उससे दातुन करने से टीथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इधर मछली देखो, इधर बहुत सारी मछली है। ऐसे ही मछली खाई थी, वही वही मछली। इधर भी है बहुत सारी मछली, ये देखो इधर पूरा जमा है। देखो सर्विस भैया पकड़ लिया, तुम ऐसे देखते रह जाओ। अब रुको 2 मिनट में। नहीं, 2 मिनट में बच्चे, अरे भाग जाएंगे, नहीं पकड़ पाओगी। चलो मैं नहीं होएगा, चलो चलते हैं।